जन्माष्टमी पर 300 शब्दों का हिंदी निबंध। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो बुराई के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और द्वारका जैसे स्थानों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां भगवान कृष्ण ने अपना जीवन बिताया। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाती है। रात को 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भक्तगण उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। इस समय मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। जन्माष्टमी पर दही हांडी की परंपरा भी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर महाराष्ट्र में। इस खेल में एक मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और युवक अपनी टोली के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाकर उस मटकी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह खेल भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक है, जब वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर मक्खन चुराते थे। जन्माष्टमी का संदेश यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। यह पर्व हमें भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े उन संदेशों को याद करने का अवसर प्रदान करता है जो उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से हमें दिए थे। यह त्यौहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और धर्म की मार्गदर्शिका का पर्व भी है।